आपको मिल जाएगी दाल मखनी, मशरूम बटर मसाला, आपको मिल जाएगा न्यूट्री की सब्जी और कढ़ाई पनीर। भाई पनीर फैंस तो आई एम श्योर होंगे यहाँ पर। तो भाई ये बनने लगा है मसाला डोसा, और आप साइज देखो जरा डोसे का, गरम गरम गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे लगते हैं। कट जा रहा है ना, अब देखो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट पनीर है। Welcome back to my channel. I am Tanya Dhamija and I make videos about anything and everything related to food and fashion. तो भाई आज मैं आ गई हूँ एक मच रिक्वेस्टेड वीडियो लेके। बूफे की बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैं आ गई हूँ पंजाब स्वीट्स पे, जो ऑफर करता है सिर्फ 150 रुपये में अनलिमिटेड बूफे। एंड यहाँ पे आपको मिलती 150 रुपये में 11 आइटम्स खाने के लिए, जिसमें स्वीट डिश भी आपको मिलेगी। तो और तो क्या ही चाहिए, भाई अंदर चलते हैं, इनका बूफे एक्सप्लोर करते हैं। मैं आपको एक बार बता देती हूँ, पीछे हनुमान जी का मंदिर है दशहरा ग्राउंड में। तो जो दशहरा ग्राउंड है वो सबको पता है, होशियारपुर में बहुत फेमस है, उसके बिल्कुल सामने ही पंजाब स्वीट्स है। यहाँ पे आओ और इनका बूफे एंजॉय करो। फिलहाल हम अंदर चलते हैं और इनका बूफे देखते हैं क्या क्या हमें खाने को मिलता है। तो कंफ्यूज हो चुकी हूँ, इतनी ज़्यादा वैरायटी है, बंदा क्या ले और क्या ना ले। बट बूफे की यही खासियत है, आपको काफ़ी सारी वैरायटी मिल जाती है। एंड चेरी ऑन द केक इज द प्राइस, आपको ये बूफे मिल जाता है अनलिमिटेड क्वान्टिटी में सिर्फ 150 रुपीज़ में। मतलब 150 रुपये में आपको इतनी वैरायटी खाने को मिल रही है, जो आई थिंक बहुत ही अच्छी बात है। थोड़े से हम प्याज ले लेते हैं, क्योंकि प्याज मेरे को तो काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने के साथ। आगे चलते हैं, आ जाओ। इसमें है नूडल्स एंड मंचूरियन। किस किस को नूडल्स और मंचूरियन पसंद है, मुझे तो बहुत ही पसंद है। मंचूरियन भी देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये ग्रेवी वाला मंचूरियन, थोड़ा सा मंचूरियन। स्टार्टर्स तो हमारे हो गए, अब आगे चलते हैं, अपना मेन कोर्स भी साथ में ही ले लेते हैं। आ जाओ। तो भाई मैं ले लेती हूँ थोड़े से राइस। मेरी फेवरेट चीज़ आ चुकी है, विच इज़ दही भल्ले। मुझे दही भल्ले बहुत पसंद है। कितने बड़े बड़े भल्ले हैं, साइज़ देखो ज़रा इनका, इसको तो एक भी खाना मुश्किल है। आपको मिल जाती है बटर चपाती, और चपाती एकदम ही होममेड होती है ना, जैसे वैसी लग रही है। मैं बूफे में आके ना बिल्कुल ही ऐसी फीलिंग आती है जैसे आप शादियों में आके खाना खा रहे हो। तो अगर आपको शादी से इनविटेशन नहीं आ रहा ना काफ़ी टाइम से, तो बूफे में आ जाओ और वो फीलिंग ले लो। तो मैं अगेन थोड़ी सी दाल मखनी लूँगी, क्योंकि अपनी फेवरेट सब्जी विच इज़ मशरूम बटर मसाला। मुझे मशरूम बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मशरूम तो किसी भी चीज़ में दे दो, आई कैन हैव इट। तो मैं थोड़ी सी मशरूम लूँगी। न्यूट्री मसाला तो ये भी थोड़ी सी ले ही लेते हैं, न्यूट्री जिस चीज़ को पसंद है उसके लिए ये ले लेते हैं, मुझे भी वैसे काफ़ी पसंद है। कहाँ डाल, जगह ही नहीं बची, चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं और जगह ही नहीं है। तो यहाँ साइड में मैं थोड़ी सी न्यूट्री डाल देती हूँ। यहाँ पे है हमारे पास कढ़ाई पनीर, तो कढ़ाई पनीर तो डेफिनेटली लेना बनता है भाई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ले लूँगी मिक्स वेजिटेबल, शादियों में खाने काफ़ी अच्छी लगती है। तो थोड़ी सी मिक्स वेजिटेबल भी डाल लेते हैं, अभी जगह ही नहीं बची है डालने को, इतना सारा खाना है। तो इसको भी थोड़ा सा बीच में ही जुगाड़ कर लेते हैं। तो भाई सारा खाना मैंने ले लिया है, स्वीट डिश हमारी बाकी है, वो भी हम लेंगे। तो पहले इसको खा के टेस्ट करके उसके बाद मैं आपको अपनी स्वीट डिश दिखाऊंगी। आ जाओ। मैं अपना खाना लेकर आ गई हूँ, और आपने देख ही लिया मैंने क्या क्या लिया है, काफ़ी सारी वैरायटी हो गई है। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे अपने नूडल्स और मंचूरियन, जो कि देखने में तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। थोड़े से मैं मंचूरियन के साथ नूडल्स ट्राई करती हूँ। मंचूरियन बॉल्स इतने सॉफ्ट है ना, बिल्कुल ही मेल्ट इन माउथ। वेजिटेबल्स काफ़ी सारी डाली हुई हैं, तो मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे ये। अभी मैं ट्राई करूँगी दाल मखनी के साथ चावल, बिकॉज मुझे दाल मखनी बहुत ही पसंद है। तो आ जाओ। दाल मखनी वैसे देखने में काफ़ी ज़्यादा थिक है, एकदम टिपिकल जो पंजाबियों वाली दाल मखनी होती है ना वैसी है ये। इसको थोड़ा सा राइस के साथ ट्राई करके देखते हैं। दाल एकदम ही जैसे हम घर पे होममेड सी दाल मखनी बनाते हैं ना वैसी है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, विच आई लाइक। चावल इतने वेल कुक्ड है ना, मस्त से कच्चे नहीं है बिल्कुल भी। शादियों में जब हम चावल खाते हैं ना ऑलमोस्ट कच्चे ही होते हैं, इसमें बिल्कुल परफेक्टली कुक्ड है। फिर मशरूम्स तो मैं देख के रह ही नहीं सकती, थोड़े से राइस के साथ अपने मशरूम्स ट्राई करते हैं। मशरूम्स बहुत अच्छे हैं, एकदम वेल कुक्ड है, हल्का सा इसमें स्वीट टेस्ट है, जैसे आप शाही पनीर खाते हो तो उसमें हल्का सा मीठा मीठा टेस्ट होता है, वैसा ही है इसमें भी। तो वैसी ग्रेवी है इसकी, बट बहुत ही टेस्टी है, अगेन वेरी लो ऑन स्पाइसेस, बहुत ही टेस्टी है। तो मैं थोड़ी सी रोटी के साथ न्यूट्री ट्राई करती हूँ। न्यूट्री इतनी सॉफ्ट और इतनी जूसी
भी है ना, बिल्कुल भी ऐसे आपको ड्राई नहीं लगेगी, बहुत जूसी है, एकदम फ्लेवर्स उसके अंदर तक गए हुए हैं, बहुत अच्छी लग रही है मेरे को। न्यूट्री ऐसे ही टेस्ट करनी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी है। अभी जिस चीज़ के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे शाही पनीर भी पंजाबियों की शान, कढ़ाई पनीर या शाही पनीर किसको पसंद नहीं होता, तो आई एम श्योर आपको भी होगा। अभी जाके इस वीडियो को लाइक करो अगर आपको कढ़ाई पनीर या शाही पनीर बहुत पसंद है। तो भाई हम अभी कढ़ाई पनीर के साथ रोटी को टेस्ट करेंगे। पनीर इज़ ऑल्सो गुड, पनीर बहुत सॉफ्ट है, अभी इसे चुई नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम कट जा रहा है ना, अब देखो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पनीर है। मुझे मशरूम बटर मसाला ज़्यादा अच्छी लगी, बींग अ मशरूम फैन मुझे तो वही ज़्यादा पसंद आएगी, पर शाही पनीर भी काफ़ी अच्छा है। मैं अभी मिक्स वेजिटेबल ट्राई करूँगी, मिक्स वेजिटेबल जो है वो थोड़ी ग्रेवी बेस्ड है, जो हम यूजली बहुत ही फ्राइड सी मिक्स वेजिटेबल खाते हैं वैसी नहीं है, बहुत ही फ्लेवरफुल है, बहुत ही टेस्टी है, बट ज़्यादा ऐसी स्पाइसी सी नहीं है। मुझे इनकी अच्छी लगी ये चीज़ की, हर चीज़ बहुत ही होममेड वे में बनाई हुई है, सटल है, लो ऑन स्पाइसीज है, तो ये अच्छी बात है। अभी दही भल्ले भी ट्राई कर ही लेते हैं, दही भल्ले मुझे बहुत पसंद है भाई, इतना बड़ा साइज़ है ना भल्ले का, आप देखो ज़रा, मतलब इसको एक भी ख़त्म कर पाना बहुत ही मुश्किल है। भल्ला इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि मैं क्या ही बताऊँ, यहाँ पे आके दही भल्ला तो आपको डेफिनेटली खाना पड़ेगा, इतना ज़्यादा सॉफ्ट है। आई वुड से आज की बुफे प्लेट में मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ अच्छी लगी ना, दही भल्ले तो भाई बहुत ही अच्छे हैं, अदरवाइज़ मुझे न्यूट्री बहुत अच्छी लगी और मशरूम बटर मसाला भी बहुत ही टेस्टी है। नूडल्स और मंचूरियन में मुझे मंचूरियन बहुत ज़्यादा पसंद आए, बहुत ही सॉफ्ट है, आपको डेफिनेटली खाने पड़ेंगे यहाँ आके। तो आई वुड से ऑल इन ऑल बुफे बहुत ही अच्छा है, हर चीज़ बहुत टेस्टी है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको पसंद नहीं आएगी, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाएंगी। तो अभी यहाँ पे आओ और इनका बुफे ज़रूर ट्राई करो अगर आप अभी तक नहीं आए हो। रोज़ रात को डिनर टाइम पे 7 to 10 इनकी टाइमिंग्स है, 7 to 10 तक इनका बुफे लगता है, तो आप आओ और इनका बुफे एंजॉय करो। तो भाई यहाँ पे मैंने ले लिया है अपना गुलाब जामुन, गुलाब जामुन किसको नहीं पसंद, अभी जाके वीडियो को लाइक करो अगर आपको गुलाब जामुन पसंद है। देखो ज़रा गुलाब जामुन कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में ही, एकदम ही सॉफ्ट सॉफ्ट से जैसे गुलाब जामुन होते हैं ना वैसे लग रहे हैं। तो तोड़ के अभी इसका टेस्ट करते हैं अपना सॉफ्ट गुलाब जामुन, एकदम ही गरम गरम है, गरम गरम गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे लगते हैं। कोई एफर्ट ही नहीं लगा, ऐसे अंदर चला गया, बिना दांत के भी खा सकते हो, इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ये, बहुत ही टेस्टी है। एक चीज़ मैं आपको एडवाइस करूँगी, अगर आप बुफे में आते हो तो प्लीज़ खाना उतना ही लेना जितना आप खा सकते हो, खाने की वेस्टेज करना अच्छी बात नहीं है। ये बनने लगा है मसाला डोसा और आप साइज़ देखो ज़रा डोसे का, यहाँ पे हो रहा है डोसे का मसाला गरम, ये लग गया मसाला हमारे डोसे पे, और भाई ये हो गया हमारा डोसा एकदम ही रेडी, बहुत ही क्रिस्प और थिन सा डोसा है। ये हमने डाल दी इसमें नारियल चटनी, भाई नारियल चटनी मुझे बहुत अच्छी लगती है, टमाटो चटनी इसके साथ आपको मिलेगी, टमाटो वाली चटनी, मली चटनी, कौन सी चटनी, मली, ये कैसी चटनी होती है, पुदीना की चटनी आपका, ये है पुदीना, हरा धनिया है, हरी मिर्च है, ठीक है ठीक है, तीन तरह की चटनी आपका हो गया, ठीक है। फाइनली डलने लगा है हमारा सांभर और ये हो चुकी है हमारी प्लेट रेडी। हम यहाँ पे आए थे बुफे एक्सप्लोर करने, बट इसके जो ओनर है उन्होंने बोला हमें डोसा भी टेस्ट करना चाहिए, तो उन्होंने फटाफट से हमारे लिए डोसा भी बनवा दिया, तो अभी ये भी टेस्ट कर ही लेते हैं। बहुत ही क्रिस्प और थिन सा डोसा और भैया ने बड़े अच्छे से बनाया है, एंड तीन तरीके की आपको चटनी मिल जाएगी साथ में, बहुत ही गर्मा गर्म है। तो मैं थोड़ी सी नारियल की चटनी लूँगी पहले, मुझे नारियल की चटनी काफ़ी अच्छी लगती है। लेट्स टेस्ट दिस, गरम गरम डोसा एकदम ही ठंडी ठंडी नारियल की चटनी के साथ इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या ही बताऊं, एंड इनकी नारियल की चटनी बहुत ही अच्छी है, खाऊंगी। बहुत अच्छी दानेदार सी चटनी है, कोकोनट का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसमें, भाई बूफे खाने आओगे तो इनका डोसा भी ले लेना, बहुत अच्छा है। होशियारपुर में बहुत कम ऐसी जगहें हैं जो अच्छा डोसा सर्व करती हैं, इनका डोसा खाने के बाद मुझे लग रहा है कि मैं दोबारा यहीं पर डोसा खाने आऊँगी, इतना अच्छा मुझे लगा ये। सांभर के साथ भी इसको फाइनली टेस्ट कर ही लेते हैं, सांभर बहुत अच्छा है, ज़्यादा खट्टा या ज़्यादा मीठा नहीं है, बिल्कुल ये बैलेंस्ड फ्लेवर्स है ना, बूफे तो अच्छा है ही भाई, डोसा उससे भी ज़्यादा अच्छा है, तो यहाँ आके इनका डोसा ज़रूर खाना, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। के पास आपको स्वीट्स भी मिल जाएंगी तरह तरह की, एंड देखने में ही सारी मिठाई इतनी अच्छी लग रही है ना, एंड इनकी बेस्ट सेलर है देसी घी की पंजीरी, तो अगर आप
एफर्ट नहीं करना चाहते तो यहाँ और इससे लेके जाओ। तो गाइस दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी जाके मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना जिनको अच्छा अच्छा खाना खाना पसंद है। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।